यस, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल टैरिट्स। और मैंने ये वीडियो वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए बहुत ही चमत्कारी तरीके से यहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे, जो कि इम्पॉर्टेंट है देखना आप लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने कई सारे ओरेकल कार्ड्स जब यहाँ पे मैंने निकाले तो वो लगभग एक ही से आ रहे हैं और एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आप इंग्लिश वीडियो में भी देख लीजिएगा। ये चीज़ बहुत एकदम क्लियर मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, सबसे पहला जो मैसेज आ रहा था वो ये था कि इस वक्त आपको अपनी लाइफ का एक एम बनाना चाहिए, एक पर्पस बनाना चाहिए, एक एक होता है ना मैनिफेस्ट करना ड्रीम्स को। यही समय है कि मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो कोई भी ले लीजिए, मैनिफेस्ट करने की टेक्निक आप कोई भी उठा लीजिए और एक लाइफ का एक पर्पस बनाइए, एक एम बनाइए कि हाँ मुझे ये काम करना है, और उसी डायरेक्शन में चलिए जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको मैसेज कर रही है। यूनिवर्स इस वक्त आपको हेड कर रही है, आपको आपकी जो हेड पोर्शन है ना उससे बहुत सारी हो सकता है कि इमेजेस आए कि मुझे ये करना है, इमेजिन करेंगे आप थोड़ा बहुत। तो ये डायरेक्शन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, आंखें खोल के रखिएगा। इस वक्त यहाँ पे ये भी मैसेज है कि इस वक्त आपको अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को देखिए ये आपको क्या अच्छा लगता है, उस डायरेक्शन में जाइए। आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, आपका क्या नेचर बिहेवियर है, कौन से लोग आपको अच्छे नहीं लगते हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, कौन सी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको परेशान करती रहती हैं हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल एकदम इन्वॉल्व ही नहीं करना, एंटरटेन ही नहीं करना ऐसे लोगों को। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को ब्यूटीफाई करिए, सजाइए, अच्छे से रहिए, अच्छे से बढ़िया तैयार होके, अच्छे से मतलब आप अपने आप को प्यार करते हैं ना। देखिए, प्यार जब करते हैं इंसान अपने आप को तो कैसे करेंगे, ख्याल रखेंगे अपना, बैलेंस डाइट लेंगे, पानी खूब लेंगे, और अपने जो हॉबीज़ हैं उसको हम उभारेंगे, अपने टैलेंट को दबाइए नहीं इस वक्त। यहाँ पे ये भी मैसेज है। अगेन यहाँ पे जो मैसेज आ रहा था इन कार्ड से भी यही मैसेज आ रहा था कि इस वक्त आपको अपनी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ कर देनी है, बाहर निकाल के बाहर कर दीजिए। सेम वही मैसेजेस आ रहे हैं बार बार कार्ड से भी। इस वक्त यूनिवर्स आपको एक डायरेक्शन दे रही है, एक पाथ दे रही है, उस रास्ते पे आपको जाना ज़रूरी है। चूज़ करिए वो डायरेक्शन, वो रास्ता जहाँ से आपको जाना है, वो सक्सेस का द्वार आपके लिए खोल के बैठी हुई है। अब आपको ये ज़रूरी है कि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना रहा पकड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और अपने आप को चाहें। अगेन सेल्फ लव का कार्ड है, और अपने आप को चाहते हैं ना अपने आप को कि हम आगे बढ़ें, सक्सेस हो, तो उसके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज कर रही है कि नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल हटा के बाहर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी मैसेज था एक पर्पस बनाइए, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट मैसेज है। और आपके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा था, अगेन वही मैसेज था कि रिलीज़ द कंट्रोल, जो जितनी भी बाउंडेशंस आ रही है ना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। अपने लवमेट के साथ घूमने जाना चाहते हैं, प्रोफेशनली लाइफ अच्छा करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, खुल के काम करिए, जहाँ कहीं भी आप जाना चाहें, कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को उभारना चाहते हैं, करिए। ये बहुत सारे बाउंडेशंस लगाने से कुछ नहीं होना। और अपने आसपास की एयर को क्लियर करके रखिए। कैसे रखेंगे, नेगेटिव चीज़ों को ना देख के, नेगेटिव चीज़ें ना सुन करके, नेगेटिव लोगों से ना मिल करके, कुछ भी नकारात्मक नहीं करना है। घर को सुगंधित रखिए, बेडरूम में कुछ अगरबत्ती है ऐसा कुछ सेज अगरबत्ती जला सकते हैं आप, कुछ भी सुगंध वहाँ पे होनी चाहिए आपके आसपास, और अपना ऑरा अच्छे से क्लियर करके रखिए। तो ये सब चीज़ें करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अपनी लाइफ को एकदम सिंपल तरीके से जैसे जीते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए, कठिन जिंदगी मत इस वक्त जिए, आसानी से जो हो जाए एकदम सिंपलिसिटी के साथ, जो मिल गया हम उसी में खुश हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी मत लीजिए इस वक्त, बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करेंगे तो दिमाग आपका टेंशन में हो जाएगा। तो ज़िंदगी को इस वक्त सिंपलिसिटी के साथ आराम से सर्वाइव करिए। आपके रिलेशनशिप में यहाँ दिखा रहा था कि आपके लिए अगर क्रिस्टल्स हैं आपके पास, एमिस्ट के और लैपिस लाजुली के, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज नहीं है क्रिस्टल कोई बात नहीं है, तो आपके लिए वॉलेट और नेवी ब्लू कलर, ये दोनों ही इंडिगो कलर जिसको हम कहते हैं, ये कलर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप नेल पॉलिश लगा लीजिए, शूज़ ले लीजिए, अपने लवमेट के साथ घूमने जा रहे हैं, या आप इन ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लोथ्स पहन सकते हैं या रुमाल रख सकते हैं अपने पास, कुछ भी करिए।
एक्चुअली ब्लेसिंग्स यहाँ पे एंजल्स की हैं, बिल्कुल हैं रिलेशनशिप में, लेकिन एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपके लिए ये कलर्स बहुत प्यारे रहेंगे, नेवी ब्लू कलर और वॉलेट इंडिगो या पर्पलिश कलर जो होते हैं ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे रिलेशनशिप में अच्छा बनाने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मदर गॉडेस आइसिस है वो यहाँ ये मैसेज कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, नॉट बंधेगी। जैसे होता है ना कि रिश्ता टूटेगा नहीं कभी, हमेशा बंधा हुआ सा रहेगा, हमेशा जो है वो ऐसा नॉट रहेगा कि जल्दी कोई खोल नहीं सकता, ऐसा आपके रिलेशनशिप में दिखा रहा है। तो रिश्ता मजबूत बनेगा इन सब चीज़ों से। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।